उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज़ आपकी आवाज़ देख रहे हो। वैसो माउंटेन, वैसो माउंटेन पहुंचा है निनाड़ा ब्लॉक के धुमाकुंड क्षेत्र में। और आप मेरे पीछे देख रहे होंगे सारे छात्र, ये कॉलेज के सारे छात्र आज यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और एक उत्साह का माहौल भी है। यहाँ पे छात्र संघ के अध्यक्ष सोनी रावत, जिसको भारी मतों से विजयी बनी है, और उनसे पूछते हैं, उनकी कुछ मांगे भी हैं। आज वो तहसील में पहुंचे हुए हैं और बात करते हैं सोनी रावत से। पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको वैसो माउंटेन की तरफ से अध्यक्ष पद के लिए। अच्छा सोनी रावत जी, आपके क्या क्या मांगे? यार मैंने ये भी सुना है कि यहाँ पे पहली महिला अध्यक्ष बनी है यहाँ पे, अभी तक जो आपका डिग्री कॉलेज है पटेटांडा। तो क्या क्या आपके मांगे हैं और क्या कहना चाहोगे और क्या क्या आपके मुद्दे हैं जिस पे आप लोग यहाँ पे अपने मांग भी रख रहे हो और यहाँ पे उसको पूरा भी करने की तैयारी कर रहे हो? बाहर जाते हैं एमएससी करने के लिए और यहाँ ट्रांसपोर्ट की ज़्यादा जरूरत समस्या है, जिससे कि बच्चों को क्लासें 2-3 बजे तक चलती है और बच्चे 1 बजे छोड़ कर चले जाते हैं, जिससे कि बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, उसके बाद उनके आगे रिजल्ट खराब हो जाता है। इसलिए मैं यही चाहती हूँ सर्वप्रथम पीजी आए और यहाँ यातायात की सुविधा का सुविधा हो। यहाँ हमारे गाड़ी यहाँ पे आप जो डिग्री कॉलेज में एमएससी पीजी क्लासेस के लिए यहाँ पे बीएससी तो है, एमएससी और आपका ग्रेजुएशन लेवल का है यहाँ पे, एमए भी होता है यहाँ पे, एमए भी नहीं है, पीजी है ये नहीं। इसके लिए आप पीजी क्लास के लिए मांग और कौन कौन से मुद्दे हो रहा है? यातायात सुविधा के लिए दिक्कत होती है, दूर दूर से बच्चे आते हैं, आप अध्यक्ष पद के लिए यहाँ पे विजयी हुए हैं, तो आपको कैसा मतलब एक फील हो रहा होगा, अनुभव हो रहा होगा कि यहाँ पे इतने बच्चों का आप एक विजयी बने, एक महिला, पहली महिला यहाँ पे जो आप विजयी हुए हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अपने छात्र छात्राओं के लिए कार्य करूँगी, या तो उनकी सेविका अध्यक्ष रूप के नहीं बल्कि सेविका के रूप में कार्य करूँगी। उनके जितने भी मांगे होंगे उनको पूरा करूँगी जितना मुझसे हो पाए। चलो ठीक है, मेरे साथ गौरव है जो कॉलेज से है, उनसे बात करते हैं यहाँ पे। इतने सारे यहाँ पे आप लोग पहुँचे यहाँ पे और आपकी मांगे भी काफ़ी हैं कि आपके पीजी का बड़ी प्रॉब्लम है, दूर से बच्चे नहीं आते हैं, और क्या क्या आपके मांगे रहेंगे आगे, आप क्या क्या उम्मीदें रहेंगी आपको सोनी रावत से? सर हमारी यही उम्मीद रहेगी उससे कि जैसे हमारे कॉलेज में पहले तो पीजी नहीं है और बच्चे हमारे कॉलेज में बहुत दूर दूर से आते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है क्योंकि तो पीजी नहीं है और बच्चे हमारे कॉलेज में बहुत दूर दूर से आते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है क्योंकि क्लासेस हमारी 5 बजे तक चलती है शाम को, लेकिन जो बसें आती हैं वो 1 या 2 बजे तक लास्ट बस आती है, जैसे अल्लूपाल के लिए या इधर अदाली खास साइड के लिए, तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। और बात रही पीजी की, तो सालों साल हमने बहुत सारे जगह पर जैसे विधायक जी के सामने पहले पूर्व अध्यक्षों से हमने बात की, तो वो कहते हैं हमने विधायक जी और मुख्यमंत्री जी के सामने भी पूर्व मुख्यमंत्री जी के सामने भी ये बात रखी, लेकिन इस बात पर कोई भी हमले नहीं किया गया अभी तक। तो सोनी रावत से मेरी यही उम्मीद रहेगी कि इस बार उनके जो जब तक उनका कार्यकाल है तब तक हमारे महाविद्यालय में पीजी कर दिया जाए, और बाकी टीचर्स की तो हमारी कोई समस्या नहीं होती, बट एक हमारी मेन समस्या यातायात की, जो बसें होती है वो कभी लेट हो जाती है, जल्दी आ जाती है, तो बच्चों को आने जाने। जैसे आपने कहा कि हमने विधायक के पास भी हमने ये मांगे रखी थी पहले, अभी विधायक वही है, क्या लगता है आपको? मेरे हिसाब से तो ये हमारे महाविद्यालय के पूर्व अध्यक्षों ने ये बात कई बार रख दी है कि विधायक जी के सामने कि आप हमारे महाविद्यालय को पीजी कर दीजिए, इसमें कई चीज़ों की मांग की गई थी, लेकिन अभी तक उनकी कोई पूर्ति नहीं की गई। और उनके द्वारा कहा गया था, क्योंकि मैंने सभी छात्र संघ अध्यक्षों के साथ मैं कार्य कर चुका हूँ, तो मैंने सभी से बात की, तो सभी के द्वारा यह कहा गया कि बार बार विधायक जी आए, उन्होंने फंड किया, लेकिन कॉलेज में अभी तक वो फंड अभी विधायक जी अगर इस वीडियो को देखेंगे तो उनको क्या कहना चाहूंगे? विधायक जी को मेरा ये कहना है कि लगातार 3 साल जैसे हमारे विधायक जी विधायक पद पर अभी तक रह चुके हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि हमारे क्षेत्र में कोई भी कार्य महाविद्यालय के ही नहीं बाहरी क्षेत्रों में भी कुछ ज्यादा खास कार्य नहीं किया गया है, कई जगह रोड नहीं है, कई रोड
के लिए उन्होंने क्या किया, डामरीकरण किया, तो डामरीकरण उनका एक महीने के अंदर पड़ गया। और बात रही कि कॉलेज को पीजी करने के लिए तो नेता आते, सभी नेता आते हैं, जैसे शिक्षा मंत्री आए थे, शिक्षा मंत्री जी ने भी कहा था कि बड़ा फंक्शन भी हुआ था आपका, बड़ा मुख्यमंत्री साहब भी आए थे, तो उस टाइम भी हमारे पूर्व छात्र संघ अध्यक्षों ने ये बात उठाई थी, लेकिन इस बात पर कोई अमल नहीं किया गया कि पटुटिया के कॉलेज को पीजी कर दिया जाए, क्योंकि ये एक मेन समस्या हो चुकी है हमारे लिए, क्योंकि बच्चों को बाहर जाना पड़ रहा है, आर्थिक स्थिति इतनी संपन्न नहीं होती पहाड़ों के बच्चों की कि वो बाहर जा सके, और लड़कियों को यहाँ से बाहर नहीं जाने दिया जाता, जबकि उच्च शिक्षा के लिए सभी संपूर्ण व्यवस्थाएं बाहर की गई है। लेकिन मेरा मानना तो यह है कि अगर पहाड़ों में ये समस्याएं सही कर दी गई तो बच्चे यहीं पढ़ेंगे, इस कारण पलायन भी रुक सकता है मेरे हिसाब से। बिल्कुल, आपने बहुत बड़ी बात की, यहाँ पे पलायन भी रुक सकता है, यहाँ के जो बच्चे हैं जो अभी पीजी के लिए बाहर जाते हैं उनके लिए भी यहाँ पे एक आसान हो जाएगा, नजदीक होगा, घर का घर रहेगा यहाँ पे, और नजदीक कॉलेज भी रहेगा, एक बड़ी मांग छात्रों की। और अगर विधायक जी देख रहे होंगे तो विधायक जी जरूर अपनी बात भी बताएंगे कमेंट बॉक्स में, सभी लोग जो दो भी इस वीडियो को देख रहे हैं अपनी बात रखें और आगे इनसे फिर पूछेंगे और क्या क्या आगे काम है उससे भी बात करेंगे। देखते रहे वॉइस ऑफ माउंटेन, संजीव जी के साथ नैनाना ब्लॉग। जय उत्तराखंड, पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। जावा ए जावा।